स्क्रीन पर दिख रही ये नम आंखें टिकट की चाह रखने वाले और बीजेपी के कुल्लू विधानसभा क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी रहे महेश्वर सिंह की है, जिनकी सियासी जिंदगी बीते दिनों काफी उथल पुथल भरी रही। लिहाजा अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे अपनी मायूसी मंच पर रोक नहीं पाए और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बगल में ही फूट फूट कर रोने लगे। दरअसल बीजेपी ने इस बार महेश्वर सिंह को टिकट देकर वापस ले लिया। इससे हताश और परेशान महेश्वर सिंह ने निर्दलीय पर्चा भर अपने समर्थकों का जोश बरकरार रखा, मगर सियासी गलियारों में दावा किया गया कि जेपी नड्डा के कहने पर उन्होंने नाम वापस ले लिया। बताते चले कि महेश्वर सिंह की जगह पार्टी ने कुल्लू सीट से नरोत्तम ठाकुर को मौका दिया है। भावुक हुए महेश्वर सिंह ने अपने संबोधन के दौरान मंच से नरोत्तम ठाकुर से कहा कि वो कुल्लू की जनता का ध्यान रखे। ऐसा कहते हुए महेश्वर सिंह इतने भावुक हो गए कि मंच पर मौजूद साथियों को उन्हें संभालना पड़ा और कुर्सी पर बिठाना पड़ा। इस दौरान नड्डा ने भी महेश्वर सिंह के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें ढांढस बंधाया। गौरतलब है कि मौजूदा चुनाव में आम आदमी पार्टी की बढ़ती सक्रियता के मद्देनजर यहां मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना जताई जा रही है, लिहाजा सत्तारूढ़ बीजेपी ने किसी भी तरह की गुंजाइश को खत्म करने के चलते कई सिटिंग विधायकों का टिकट काटकर नए चेहरों पर दांव चला है। बताया जा रहा है कि हिमाचल में बीजेपी पर एंटी इनकम्बेंसी का खतरा मंडरा रहा है। इससे बचने के लिए बीजेपी हर सियासी चाल काफी फूंक फूंक कर रख रही है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में 68 सदस्यीय विधानसभा के लिए वोटिंग 12 नवंबर को होंगे और मतों की गिनती 8 दिसंबर को होगी।